हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं और जो मल्टीमीटर आप यूज़ करते हैं उसमें कुछ ऐसे फीचर्स जिनकी आपको ज़रूरत है लेकिन वो फीचर्स उसमें नहीं हैं और आप एक अच्छा मल्टीमीटर जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हों को खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि मैंने अभी एक ऐसा ही मल्टीमीटर जो कि काफ़ी सस्ता मुझे मिला है को परचेस किया है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये मल्टीमीटर मैं आपको पहले दिखाने वाला हूँ। ये मल्टीमीटर कुछ इस तरह के बॉक्स में पैक होके आया है और मेरे पास काफ़ी सारे मल्टीमीटर हैं जिनमें आपने देखा होगा। ये मल्टीमीटर भी मैंने अभी इसका रिव्यू डाला था। यहाँ पे एक मल्टीमीटर ये रखा हुआ है और इस तरह का भी एक मल्टीमीटर है। तो यहाँ पे ये मल्टीमीटर मेरे पास होने के बाद भी मैंने ये मल्टीमीटर परचेस किया क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। यहाँ पे बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले आप देखेंगे इसमें एक कैरी बैग है जिसमें इसकी एसी सीरीज है। हम कैरी बैग को खोल के इसके अंदर की एसी सीरीज जो है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें एक यूज़र मैनुअल दिया गया है। तो यूज़र मैनुअल इसमें साथ में आया है जिसको आप अच्छे से पढ़ के इसके जो फंक्शन या फीचर्स हैं वो आप जान पाएंगे और इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें टेस्टिंग प्रोब्स दी गई हैं। तो ये हमारी टेस्टिंग प्रोब हो गई। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस मल्टीमीटर में हमें टेम्परेचर टेस्टिंग का भी फीचर मिलता है, तो इसलिए ये टेम्परेचर टेस्टिंग प्रोब है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें 1.5 वोल्ट ट्रिपल ए साइज के सेल भी हमें मिलते हैं। तो इस तरीके के सेल हैं और यहाँ पे ये कैरी बैग है, तो मैं इसे एक साइड में रख देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा मल्टीमीटर जो है वो हमें कुछ इस तरह का मिलता है। तो यहाँ पे ये पैकिंग में है, मैं इसकी पैकिंग जो है इसको खोल देता हूँ, जिसके बाद आप ये मल्टीमीटर जो है देख पाएंगे। ये कुछ इस तरह का मल्टीमीटर है। चलिए हम इसमें जो सेल हैं वो डाल देते हैं, जिसके बाद हम इसके फीचर्स जो हैं वो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो हमें मिले हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये बैक साइड में जो एक स्क्रू लगा है इसको निकाल देता हूँ और इसके बाद हम इसके अंदर सेल जो है वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सेल मिले हैं हालांकि उनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, फिर भी मैं मल्टीमीटर में जो सेल यूज़ करता हूँ वो ड्यूरासेल के यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ये ड्यूरासेल जो है ये लीक नहीं होते हैं और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी मल्टीमीटर में जब सेल इस्तेमाल करें तो ड्यूरासेल के ही इस्तेमाल करें। इनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है और इनका बैकअप भी काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए यही सेल मैं यूज़ करने का सजेशन दूंगा आपको। यहाँ पे हम मल्टीमीटर में ये सेल जो है प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर में सेल जो है वो प्लेस कर दिए हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, आगे मैं इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बॉक्स जो है उसे मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद अब हम मल्टीमीटर के जो फंक्शन है उनको देखेंगे, बाद में हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। मैं यहाँ पे आपको कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कि ये मल्टीमीटर जो है किस लिए बेस्ट है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे इस तरह के क्लैंप मीटर आते हैं, मल्टीमीटर आते हैं, इनमें हम एसी करंट जो है उसको तो मेज़र कर सकते हैं लेकिन डीसी करंट को ये मेज़र करने में सक्षम नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो क्लैंप मीटर होते हैं इनमें एसी करंट को, इसमें कॉइल सेंसर होता है उसके द्वारा नापा जाता है। तो यहाँ पे कॉइल सेंसर अगर मल्टीमीटर में है तो वो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा आपको और उसमें केवल आप एसी करंट को ही मेज़र कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो मल्टीमीटर है इसमें कॉइल सेंसर नहीं होता, इसमें हॉल सेंसर होता है जिसकी वजह से आप एसी और डीसी दोनों तरह के करंट जो है उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए चूंकि इसमें सेंसर जो है वो अलग है, इसका सर्किट अंदर का अलग है, इसलिए इनका प्राइस जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इस वजह से ये थोड़े महंगे मिलते हैं। हालांकि इसमें काफी सारे और भी फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये मल्टीमीटर जो है थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो मल्टीमीटर आता है इसमें भी एसी और डीसी दोनों तरह के करंट जो है आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे 1000 एम्पियर, ये 400 एम्पियर और ये 40 एम्पियर एसी और डीसी दोनों तरह के करंट इससे मेजर कर सकते हैं। हालांकि ये मल्टीमीटर जो है ये काफी महंगा था जब इसे परचेस किया गया। ये मल्टीमीटर लगभग 6000 का था और यहाँ पे ये मल्टीमीटर काफी सस्ता है। चलिए हम इसके जो फीचर्स हैं उनको पहले जान लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको इसका सिलेक्टर स्विच जो है अलग अलग पोजिशन में क्या क्या चीजें मेजर कर सकता है ये आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफ पोजीशन में है सिलेक्टर स्विच। जब हम इसको एनसीवी या लाइव वाली पोजीशन में लेके जाते हैं तब इसे हम नॉन कॉन्टेक्ट वोल्टेज जो है उसको मेजर कर सकते हैं या जो लाइव वायर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रल और लाइव दो तरह के वायर होते हैं एसी में, तो उसमें से न्यूट्रल या लाइन कौन सा है ये जानकारी हमें इस फंक्शन द्वारा मिल जाती है। इसके बाद आप देख पाएंगे इसका जो सिलेक्टर स्विच है, जब हम 600 या 1000 एम्पियर एसी या डीसी करंट मेजरमेंट वाले पॉइंट पे करते हैं तो यहाँ पे हम
600 या 1000 एम्पियर तक के एसी और डीसी करंट को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सिलेक्टर स्विच 60 एम्पियर वाले पॉइंट पे हम रखते हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हैं वो 60 एम्पियर तक का कर सकते हैं। यहाँ पे एसी और डीसी दोनों तरह के करंट को मेजर किया जा सकता है। इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे वोल्टेज वाला ये पॉइंट है, जहां पे सिलेक्टर स्विच अगर हम करते हैं तो इससे हम वोल्टेज जो है वो एसी वोल्ट 750 वोल्ट और डीसी वोल्ट 1000 वोल्ट डीसी तक इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज जो मेजरमेंट होगा वो ट्रू आरएमएस होगा। तो यहाँ पे ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसमें ट्रू आरएमएस का फीचर भी दिया गया है। ट्रू आरएमएस फीचर वाले मल्टीमीटर थोड़े से महंगे होते हैं, हालांकि ये काफी सस्ता है। चलिए अब इसका नेक्स्ट फीचर जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे लो जेड जहां पे लिखा है ये गोस्ट वोल्टेज जो है उसको मेजरमेंट करने के उपयोग में आता है। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल जो है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ पे जब हम सिलेक्टर स्विच रखेंगे तो इससे हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं, साथ ही कंटिन्यूटी की टेस्टिंग भी यहीं से की जा सकती है। इसके बाद लास्ट का जो पॉइंट है, यहाँ पे जब हम सिलेक्टर स्विच रखते हैं तो यहाँ पे हम टेम्परेचर जो है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर वाली प्रोब हमें लगानी होगी, तभी हम टेम्परेचर की टेस्टिंग कर पाएंगे, जो कि सेंटीग्रेड या फॉरेनहाइट में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काफी सारे फीचर्स जो है इस मल्टीमीटर में है, और इसके अलावा भी कई और चीजें हैं जो कि मैं अब आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसकी टेस्टिंग जो है वो करते हैं, साथ ही हम कंपैरिजन करेंगे एसी और डीसी करंट टेस्टिंग का भी कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मल्टीमीटर की जो प्रूफ है इन्हें निकाल लेता हूँ और इनको आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की प्रूफ जो है ये हमें मिली है, आप देख पाएंगे काफी क्वालिटी अच्छी है और यहाँ पे इस तरह की प्रूफ जो है ये हमको मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे जो टेम्परेचर प्रोब है वो हमें कुछ इस तरह की मिली है। यहाँ पे आगे आप एक टेम्परेचर सेंसर जो है वो देख पाएंगे, मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह की प्रोब जो है हमें ये जो मल्टीमीटर है इसके साथ भी मिली थी, मैंने इसका वीडियो डाला था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह की इसकी टेम्परेचर टेस्टिंग प्रोब है, जबकि हमारा ये जो मल्टीमीटर था इसमें ये प्रोब साथ में आई थी। तो प्रोब जो है वो लगभग सेम है दोनों, और यहाँ पे इस तरह की प्रोब जो है ये हमको मिली है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसका पहला वाला फीचर जो है एनसीवी जो है उसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। उसकी टेस्टिंग के लिए लाइव और न्यूट्रल के कनेक्शन जो है हमें यहाँ पे रखने होंगे, जिसके बाद हम ये जान पाएंगे कि इसमें एनसीवी फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारा एक प्लग है जो कि मैंने पावर मॉनिटर के साथ में कनेक्ट किया है, और यहाँ पे एनसीवी का फंक्शन जो है उसको मैंने ऑन कर दिया है। और जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे एक सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही ये हमारे लाइव वायर के पास आता है तो यहाँ पे ये बीप का साउंड जो है वो करता है। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन लाइव और कौन न्यूट्रल है। तो यहाँ पे अब हम जो एनसीवी की टेस्टिंग है उसको करते हैं। तो आप देखेंगे मैं इस वायर के पास ला रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई भी बीप जो है वो नहीं हो रही है, जबकि जैसे ही मैं इसके पास लाता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीमीटर जो है वो हमारा बीप दे रहा है। इसका मतलब ये लाइव का पॉइंट है जिसपे हमारा बीप जो है वो आ रहा है एनसीवी फीचर होने की वजह से। चलिए अब हम इन दो वायर्स में लाइव का वायर अगर जानना हो बगैर एनसीवी के तो हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसमें एक सिलेक्ट ऑब्लिक वीएफसी वाली एक बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइव लिख किया गया LIVE। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी रेड प्रोब है इस प्रोब को हम मल्टीमीटर के साथ में अटैच करेंगे। तो मैं इसको अटैच कर लेता हूँ, जिसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इन दोनों में से लाइव वायर जो होगा उसमें मल्टीमीटर हमारा क्या शो करता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर के साथ में, और मल्टीमीटर की प्रोब जो है इसको मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पे दो वायर्स हैं हमारे पास, इनमें एक लाइव और एक न्यूट्रल है। तो पहले मैं न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट करता हूँ, हमारे मल्टीमीटर में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। यहाँ पे अब हम इसे इस वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो मल्टीमीटर में आप देखेंगे कि डिस्प्ले में जो बैकलाइट है वो भी ग्लो होने लगी, और साथ ही मल्टीमीटर हमारा वीप कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा लाइव का वायर है। मैं आपको नजदीक से मल्टीमीटर को दिखा देता हूं, जिससे कि आप कंफर्म हो सकेंगे यहाँ पे क्या मल्टीमीटर में शो होता है। आप देखेंगे जैसे ही मैं लाइव के साथ कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक सिंबल भी हाई वोल्टेज का बन के आ जाता है, और ये जो बैकलाइट है ये ग्लो होने लगती है। तो इस तरीके से इस मल्टीमीटर द्वारा आप लाइव वायर जो है उसको आप जान सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट फीचर जो है ये एम्पियर टेस्टिंग का है। यहाँ पे 1000 एम्पियर एसी और डीसी करंट की टेस्टिंग कर सकते हैं, साथ ही 60 एम्पियर तक की एसी और डीसी करंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं बाद में दिखाऊंगा सबसे लास्ट में, पहले हम वोल्टेज की टेस्टिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रू आरएमएस एसी में ये वोल्टेज जो है वो टेस्ट करता है। तो वोल्टेज टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी दूसरी प्रोब जो है उसे भी लगाना होगा। तो इस तरीके से इसकी दूसरी प्रोब जो है उसको भी मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने इसकी दूसरी प्रोब जो है उससे भी लगा लिया है, और यहाँ पे सिलेक्टर स्विच जो है उसको हम वोल्टेज टेस्टिंग वाले पॉइंट पे सेट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये डीसी वोल्टेज जो है इस समय
नाप सकता है। तो यहाँ पे मैं एक डीसी वोल्टेज नापने के लिए इस तरह का एक सेल ले लेता हूँ और इसका वोल्टेज मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मल्टीमीटर क्या वोल्टेज शो करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मल्टीमीटर जो है हमारा ऑन है और मल्टीमीटर में एक बैकलाइट का फीचर है जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जहाँ पे हमारी होल्ड बटन है यहीं पे बी ऑब्लिक एल लिखा है, इसको अगर हम कुछ देर प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे बैकलाइट जो है वो ग्लो होने लगती है, जिसके बाद आपको क्लियर विजिबल होगा अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने वोल्टेज जो है सेल का टेस्ट किया, 9.64 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब इससे हम डीसी वोल्टेज जो है उसे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एसी वोल्टेज अगर हमें टेस्ट करना है तो सिलेक्ट ऑब्लिक बीएफसी वाला स्विच जो है उसे एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप एसी वोल्टेज जो है उसको मेजर कर पाएंगे। चलिए मैं एसी वोल्टेज जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे मल्टीमीटर द्वारा मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। 245 वोल्ट यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर मेजर कर रहा है। यहाँ पे बैकलाइट जो है वो 15 सेकंड के बाद ऑफ हो जाती है, जिसको मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से मेजरमेंट करता हूँ। आप देख पाएंगे 245.5 वोल्ट एसी यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर जो है शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें और भी फीचर्स हैं जिनको मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इसके बाद आप देख पाएंगे इसमें एक और फीचर है लो जेड, जहां पे लिखा है ये लो जेड क्या है इसको हम जान लेते हैं। लो जेड में हमें क्या करना होता है, पहले मैं आपको एसी वोल्टेज से मेजरमेंट करके दिखाता हूं। तो मैं एसी में सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां पे एसी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, साथ ही मैं बैकलाइट जो है उसको ऑन कर देता हूं। इस तरीके से मैंने बैकलाइट जो है ऑन कर दी है। यहां पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो पावर मॉनिटर है इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, आप यहां पे देख पाएंगे वोल्टेज 245.7 दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहां पे ये ब्लैक वाली प्रोब जो है इसको अर्थिंग के साथ में कनेक्ट करते हैं तो यहां पे 25 वोल्ट एसी दिखा रहा है। तो ये जो है यही गोस्ट वोल्टेज है और इसको कंफर्म करने के लिए हमें लो जेड में लगाना होता है। तो लो जेड में हमने सिलेक्टर स्विच लगाया है, बैकलाइट में ऑन कर लेता हूं और इसके बाद जो गोस्ट वोल्टेज यहां पे लाइन और अर्थिंग के बीच में दिखा रहा था वो अब हम दोबारा से चेक करते हैं तो यहां पे गोस्ट वोल्टेज जो है वो एसी में नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम यहां पे ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर अर्थिंग है या नहीं है। तो इस तरीके से ये फीचर भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में काफी ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाए, इसलिए मैं सारे फीचर्स जो हैं उसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल का नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें हम सिलेक्टर स्विच रखते हैं। मैं इसकी बैकलाइट जो है उसे ऑन कर लेता हूं। आप यहां पे देख पाएंगे कि यहां पे एचजेड लिख गया है, इसका मतलब है कि ये आप फ्रीक्वेंसी जो है वो एसी में आपकी मेजरमेंट कर सकता है। यहां पे सिलेक्ट बटन अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो यहां पे ये परसेंटेज का साइन बन के आता है, जिससे कि हम जो हमारी एसी में ड्यूटी साइकिल है उसको जान सकते हैं। तो यहां पे ये फीचर भी काफी यूजफुल है। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन में हम इसका सिलेक्टर स्विच ले जाते हैं, जहां पे हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड और कंटिन्यूटी जो है इसे टेस्ट कर पाते हैं। साथ ही आप यहां पे देखेंगे लास्ट में हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फॉरेनहाइट यानी टेम्परेचर प्रोब लगा के टेम्परेचर जो है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख पाएंगे हमारे तीनों क्लैम्पमीटर जो है इनसे हम डीसी करंट की टेस्टिंग करने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहां पे एक बैटरी ली है और इस बैटरी के साथ में मैंने एक 10 ओम 10 वॉट की रेजिस्टेंस जो है इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दी है। पॉजिटिव टर्मिनल ये है हमारा और इसी वायर में ही हम करंट जो है उसको मेजर करेंगे, कितने एम्पियर करंट जो है इससे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो मल्टीमीटर यहाँ पे लिया है मैस्टेक का, इसको मैं सीरीज में रखूंगा और इसको 10 एम्पियर करंट टेस्टिंग वाले सेक्शन में मैं इसे लगा लेता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे 10 एम्पियर वाले सेक्शन में हमने मल्टीमीटर जो है लगा लिया है, प्रोब जो है इसको 10 एम्पियर वाले पोर्ट में हम लगा लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से एक प्रोब जो है यहाँ पे पॉजिटिव के साथ में जोड़ देता हूं और इसको जैसे ही हम यहां पे टच करेंगे तो यहां पे हमें एम्पियर जो है वो शो होगा। तो यहां पे आप देख पाएंगे 0.73 एम्पियर जो है ये कंज्यूम कर रही है रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर है ये 10 एम्पियर तक के करंट को मेजर करता है और वो भी सीरीज में होके। तो यहाँ पे सीरीज में जो टेस्टिंग होती है वो सबसे ज़्यादा बेटर होती है। और अब हम क्या करते हैं कि तीनों क्लैंप मीटर जो है इनको हम इस पॉजिटिव वायर के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हम तीनों क्लैंप मीटर जो है इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीनों क्लैंप मीटर को एम्पियर टेस्टिंग में कर देते हैं। तो यहाँ पे 20 एम्पियर के पॉइंट पे मैंने सिलेक्टर स्विच रखा है, इसके बाद मैं इसको 40 एम्पियर वाले पॉइंट पे रख दूंगा सिलेक्टर स्विच। यहाँ पे हमें जीरो करना है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये डीसी में ही लगा हुआ है इस समय, तो यहाँ पे डीसी मेजरमेंट होगा। इसका भी सिलेक्टर स्विच जो है उसको हम 60 एम्पियर डीसी सेटिंग में लगा लेते हैं। एसी में लगा है, यहाँ पे मैंने डीसी में लगा लिया है और अब हम यहाँ पे इसको भी जीरो कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे भी जीरो कर लिया है और अब हम डीसी करंट की टेस्टिंग जो है वो देखेंगे तीनों मल्टीमीटर में। जो हमारा मेन मल्टीमीटर है जो कि सीरीज में है
उससे हम कंपेरिजन करेंगे कौन बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये एसी क्लैंप मीटर है, एसी करंट ही इससे टेस्ट किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता है, लेकिन अभी आप रिजल्ट देख लेंगे। ये 40 एम्पियर वाले सेक्शन में इसका सिलेक्टर स्विच लगा है, तो ये निश्चित ही इस मल्टीमीटर से बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। यहाँ पे ये 60 एम्पियर वाले पॉइंट पे इसका सिलेक्टर स्विच लगा है, तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस इस वाले मल्टीमीटर से उतनी अच्छी नहीं आएगी, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आएगी। और सबसे अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट जो है वो 10 एम्पियर तक का ही मेजरमेंट किया जा सकता है। तो चलिए अब हम टेस्टिंग करते हैं, आप यहाँ पे रिजल्ट जो है वो देख पाएंगे। यहाँ पे मैं इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे 1.18 एम्पियर ये रेजिस्टेंस जो है करंट ड्रॉ कर रही है। इस मल्टीमीटर में हमें 1.15 एम्पियर दिखा रहा है, यहाँ पे 1.12 एम्पियर दिखा रहा है, और जबकि इसमें 0.0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये तो डीसी एम्पियर टेस्टिंग में सफल नहीं है, और यहाँ पे ये जो मल्टीमीटर है इसकी एक्यूरेसी जो है इससे कम है। यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी जो है सबसे बेस्ट है, और यहाँ पे ये मल्टीमीटर जो है हम डीसी करंट मेजरमेंट में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसमें एक और फीचर है जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कि इनरेस करंट जो है उसको भी आप इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। एसी का इनरेस करंट, सर्किट में इनरेस करंट, जैसे फ्यूजबल रेजिस्टेंस या एनटीसी पीटीसी लगाए जाते हैं, वो इनरेस करंट जो है उसको लिमिट करते हैं, वो इनरेस करंट भी आप इससे जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर है, आप देख पाएंगे जब मैं इसे एसी वाले पॉइंट पे लगाता हूं, इसके बाद यहां पे 0 INR, INR का मतलब यहां पे इनरेस करंट जो है उसको मेजरमेंट करने से है। तो यहां पे हम इस की को थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं, इसके बाद आप देखेंगे यहां पे INR का सिंबल बन के आ रहा है, यानी ये इनरेस करंट जो है उसको भी मेजरमेंट कर सकता है। तो यहां पे ये बेस्ट मल्टीमीटर है, और आप इसे परचेस कर सकते हैं, परचेस लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।